यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार, नरेला, आईटीओ, जफरपुर, नजफगढ़, अक्षरधाम, सफदरजंग, लोधी रोड, अलीपुर, लाल किला इलाके में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। हरियाणा के चरखी दादरी, झज्जर, फर्रुखनगर, महेंद्रगढ़ और यूपी के बड़ौद, बागपत, खेकरा में तेज बारिश होगी। वहीं दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के इलाके में जैसे लोहनी देहात, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपपुर, भजोई, शिकारपुर, पहासू, नरोरा, गभाना, सहसवान, जट्टारी, अतरौली, खैर, अलीगढ़, बरसाना, राजस्थान के पिलानी, तिजारा, कोट, अलवर में अगले 2-3 घंटों में मूसलाधार बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, मेघालय, असम, नागालैंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में कम बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। इन सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 सितंबर तक होगी इन इलाकों में बारिश। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18 सितंबर तक बारिश हो सकती है। हालांकि कानपुर नगर, कानपुर देहात, गुजरात, गाजियाबाद, लखनऊ सहित कई इलाकों में शुक्रवार की सुबह उमस से लोगों को राहत मिली है। विभाग ने 18 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। कुछ दिनों तक इन इलाकों में मौसम का कहर ऐसा ही बना रहेगा। आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, हरदोई, औरैया, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, रायबरेली, अमेठी, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद और आगरा में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिलों के बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात में बिजली गिरने और बादल गरजने की संभावना है। उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या और आगरा जिलों में भी बारिश गिरने के आसार है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और उसके आसपास इलाकों में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कटनी, पन्ना, दमोह, जबलपुर, नीमच, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, डिंडोरी और श्योपुर में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज राजस्थान के इन इलाकों में बारिश का अलर्ट। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, जयपुर, दौसा, चुरू, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य के मॉनसून में कम पड़ने के कारण बारिश में कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5-7 दिनों तक पटना समेत जिलों की छिटपुट बारिश की संभावना है। 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। झारखंड में 21 सितंबर तक विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 16 से 18 सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 19 सितंबर तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 20 से 21 सितंबर को कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने का अनुमान है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।